नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी की महिला विधायक के आवास पर ईंट अधो की बारिश। दोस्तों बीजेपी महिला विधायक को फोड़ डाला है। बात करेंगे इस पूरी खबर की विस्तार से। लेकिन दोस्तों, अगर आप विदेश में बढ़ रही महामारियों का और देश में बढ़ रही महंगाइयों का दिल से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दरअसल आपको बता दें, पंचायत चुनाव में हार जाने से नाराज एक आरोपी ने भारतीय जनता पार्टी की विधायक के घर पर हमला कर दिया है। आरोप है कि आरोपी ने गाली गलौज करने के साथ ईंट अधे भी फेंक डाले। बिहार में नवादा जिले के वारसिलगंज से विधायक अरुण देवी के घर पर उपद्रवियों ने ईंट और पत्थर फेंकते हुए हमला कर दिया। आरोपी उनका पड़ोसी सह पंचायत चुनाव में हार गया था। आरोपी ने उनके समर्थकों के साथ 22 नवंबर की रात विधायक के आवास पर जाकर गाली गलौज की, जिसके बाद विधायकों के अंगरक्षकों ने उपद्रव करने वाली ग्रामीणों को खदेड़ दिया। दोस्तों इसके बाद सोमवार को एक बार फिर से उपद्रवियों ने विधायक के आवास पर ईंट और पत्थर फेंके। इस हमले में विधायक अरुण देवी को भी चोटें आई हैं। विधायक के आवास पर वारसिलगंज थाना में कुल 10 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई। आपको बता दें, विधायक ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इस प्रकार की हरकत पर रोक लगाने की मांग पुलिस से की है और प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस घटना की जांच में जुट गई। विधायक ने उपेंद्र सिंह उर्फ रामानंद सिंह, श्याम नंद सिंह पुत्र वे राधे सिंह, साकर सिंह, रामचरित्र पुरुष वे सुपेपल सिंह पर FIR दर्ज कर ली। वहीं आपको बता दें, विधायक ने रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी घर पर आकर गाली गलौज करने लगा। मना करने पर ईंट अधे फेंकने चालू कर दिए, जिससे मुझे चोटें आई हैं। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया तो आरोपी भागते हुए फायरिंग करने लगा। विधायक ने कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, जिससे गाँव में शांति बदहाल न हो पाए। दोस्तों घटना के संबंध में विधायक ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान मेरा या मेरे पति अखिलेश सिंह द्वारा कहीं कोई हस्तक्षेप या किसी खास प्रत्याशी के लिए कार्य नहीं किया गया, लेकिन इन दोनों लोगों ने जानबूझकर विधायक की छवि को बदनाम करने और घर पहुंचकर गाली गलौज किया। विधायक पति और बॉडीगार्ड के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। विधायक ने मामले को पारदर्शी ढंग से कार्रवाई की मांग की। दोस्तों आपकी क्या राय इस खबर को जानकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।